व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज आपको कैमरे का एंगल बिल्कुल ही अलग दिख रहा होगा। जैसे आपको पता है मैंने GoPro लिया था नया बिल्कुल। सो अभी आपको यार थोड़ी माइक की दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ यार माइंड मत करना। अभी मेरे पास इसका माइक अडेप्टर नहीं है। सो अभी क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया था, सो अभी उसने बोला था भाई आपको कम से कम 10-15 से 20 दिन रुकना पड़ेगा माइक अडेप्टर के लिए। तो मैंने भाई कोई बात नहीं, आप मंगा दो, और वैसे भी वो बहुत महंगा भी है। तो अभी मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ कुछ वीडियो बन जाए। सो अभी जा रहे हैं हम दिल्ली द्वारिका, जहाँ तक है क्या नाम, मेरे को मेट्रो स्टेशन जाना है अभी। एक्चुअली मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है कहाँ जाना है। सो अभी हमें ज्वाइन करेंगे भाई धार्मिक राइडर। तो अभी हम जाने का हमारा ये पर्पज़ है, फंक्शन है। सो अभी वहाँ पर जाके आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं किसका फंक्शन है, क्या है वो। तो यार बताना, मैंने कैमरे का व्यू एंगल जो आ रहा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कुछ छेड़खानी करी नहीं है। और ये देखो भाई, मैंने जब कैमरा लिया था तो ये ग्लव्स भी ले लिए थे और एक हेलमेट भी लिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें आ रहा होगा शीशे में। तो आप, मैंने वैसे बोला था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, तो आप बताना ज़रूर कि मैं ग्लव्स की भी वीडियो बनाऊँ, मैंने कहाँ से लिए और कितने के पड़े। तो मेरे को तो बहुत बेस्ट लगे, क्योंकि देखो इसमें ये टच पैड भी है जिससे आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई अभी मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका हूँ, देखो 9 बज रहे हैं, मेरे को घर से निकलना था 8:30 बजे। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, निकलना जल्दी होता है, मैं हर बार लेट हो जाता हूँ। तो भाई मेन रोड पे तो लगा पड़ा है जाम, तो अभी हम मार रहे हैं शॉर्टकट। दिल्ली का जाम भाई। तो अपनी गैस हो चुकी है पूरी, फाइनली मैं अपनी लोकेशन में पहुंचूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कोई फंक्शन में हम जाने वाले हैं। सो भाई ये अपने धार्मिक राइडर। हेलो, कैसे हो भाई साहब? भाई ये अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है अपने, और वहाँ पर आगे वो खड़ी, बाद में दिखाएंगे, बाद में चलो बाद में दिखाएंगे। अभी जाते हैं वहाँ अंदर, देखो आपको भीड़ लगी दिख रही है, पुलिस वुलिस खड़ी है। सो अभी जाते हैं, अभी फाइनली हम फंक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। अभी थोड़ा मतलब यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आ रखे हैं मेट्रो के चेयरमैन, तो अभी मेरे को ये वाली मिल चुकी है। इसके पहले वो अभी ऑफ खड़ी हुई है, तो अभी इसका रिव्यू देता हूँ फिर उसको। तो हमारी भी अब स्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं आगे। तो अभी पहले हम चला रहे हैं छोटा वाला, फिर वो चलाएँगे उसके बाद, क्योंकि अभी वो इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि वो अभी बंद खड़ी हुई है। तो चलते हैं आगे। ओ भाई इसका तो स्वाद ही अलग है। तो मैं आपको एक बार इसको रोक के एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ दिखती है। अभी यहाँ पर वहाँ पर थोड़ी भीड़ हो रही थी, तो अभी एक बार इसको यहाँ रोकता हूँ मैं। तो भाई आप ये देखो, ये रहा इसका स्टैंड, जैसे जैसे स्कूटी में होता है ये पूरी ऐसे है। यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, ये लाइट रही इसमें, और ये रहा इसका डिजिटल थोड़ा सा मीटर कह सकते हो। इसमें आपको खाली बैटरी शो होती है, ये रहा इसका हॉर्न, और यहाँ से इसकी लाइट ऑन ऑफ होती है, ये हो रही। तो अभी मैं इसको बताता हूँ इसमें है क्या। इसमें देखो GPS ट्रैकर लगा हुआ है, तो अभी पहले चलते हैं यहाँ से। तो जैसे भाई आपको पता ही, आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो एक ये ZYPP करके कंपनी है जिसने अभी नई नई स्कूटियाँ लॉन्च करी हैं अपनी सारी स्कूटियाँ। इन द सेंस मतलब एक स्कूटी शेप में है, और ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर कह सकते हैं आप छोटा सा। ये भाई हर्ष भाई हॉर्न दे परेशान कर रहे हैं, तो इसमें हॉर्न भी है ये देखो छोटा सा। अभी 3 बत्ती हो चुकी है, चलते हैं आगे। तो इसकी बैटरी इंडिकेटर ये रहा। तो आजकल जैसे आपको क्या होता है कि आपको कहीं भी मार्केट जाना है, ये आज वैसे ये दिल्ली NCR में लॉन्च कर दी है इन ZYPP कंपनी ने। तो अभी हम जाते हैं यहाँ से सीधा भाई ये चले। तो इसकी मैक्सिमम अगर टॉप स्पीड देखूँ तो यार 20 से 25 स्पीड होगी, लेकिन जो एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और ये देखो भाई सब वाले से जीतेंगे, ये निकल गए आगे।
तो भाई अगर आपको ये स्कूटर अच्छा लगा तो इसके लिए एक लाइक मार देना, और अभी तो ये वाला चला रहे हैं, इसकी देखते हैं कितना दूर तक चलेगा ये, और अभी भी बैटरी फुल है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर से ले आया हूँ आगे। तो बस यही फ़ायदा है इसका भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल चुका है, तो जिस कंपनी ने एक पॉल्यूशन की तरफ एक अपना बढ़ावा दिया कि हाँ पॉल्यूशन मतलब जहाँ भी आपको, जैसे क्या करते हैं लोग छोटी छोटी जगह जाने के लिए गाड़ी निकाल लेंगे या स्कूटी बाइक, तो उन्होंने एक ये रेंटेड व्हीकल कर दिया है जिससे आप कहीं भी जाओ उधर से अपने फ़ोन से यहाँ पे स्कैन करो और लेके चले जाओ। मतलब यार रिएक्शन तो अल्टीमेट आ रहे हैं ना, मतलब सारे देख रहे भाई क्या लेके घूम रहे, क्योंकि अभी दिल्ली और गुड़गांव में नई चीज़ आई है, किसी ने देखी नहीं है। तो भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसे चलाने में, एंड टॉक की बात ये तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई इसे खरीद ही लेते हैं पैसे मिलेगी तो कहीं नहीं, फिर भी खरीद नहीं सकते तो भाई हम रेंट तो कर ही सकते हैं भाई। भाई ब्रेक पावर भी इतनी ज़बरदस्त है ना इसकी, क्या बताऊँ। ये हर्ष भाई आ रहे हैं पीछे, भाई खरीद ले इसको, क्या खरीद ले इसको, खरीद लिए हाँ खरीद लो, वैसे खरीद नहीं सकते तो रेंट तो कर ही सकते हैं। बहुत सस्ता है यार, 1 रुपया पर मतलब 1 रुपया पर मिनट बहुत सस्ता है, कहीं भी लो कहीं भी घूमो भाई। बट आपकी वाली स्कूटी के हवा कम है भाई, हवा कम है हाँ है भैया, रेंट वाली है, हाँ रेंट वाली है, बढ़िया लगी। नहीं नहीं परचेज करी कि रेंट वाली है, ये रेंट वाली है, परचेज नहीं कर सकते अब इसको भी यहाँ पे। ओके वो चल रहा ना, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इनॉग्रेशन आज के बाद आप माधव नगर में से यूज करते हैं। कितने घंटे के लिए है? तो कंपनी तो 30 किलोमीटर हाँ, उससे वो आप पर किलोमीटर मतलब 1 मिनट का 1 रुपया लगता है। अच्छा तो मतलब 60 रुपए लेते हैं एक घंटे के, हाँ 60 रुपए एक घंटे का ऐसे तो कर सकते हैं। अगर चाहिए होगी तो कहाँ कॉल करनी पड़ेगी? कॉल नहीं करनी पड़ेगी, जैसे मेट्रो स्टेशन अगर आपको लेंगे मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन में गेट नंबर 1 वो ओके हाँ वहाँ पहुँच ज़्यादातर ये हर मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल होगी, जहाँ पे भी आप उतरोगे वहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आप मतलब ट्रायल है बेसिकली या रेंट पे दे रहे हैं वो अभी दे रहे हैं, आप जाके ले सकते हैं अभी तो, जैसे इनॉग्रेशन है लेकिन कुछ 1-2 दिन में ये वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हर जगह, दिल्ली NCR में। चलें हाँ दे भाई, ये देखो इसमें डिस्क ब्रेक दे रखी है तो बड़ी, और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, ये देखो आगे और पीछे दोनों में डिस्क है। बैटरी बैटरी इसके नीचे लगी पड़ी है, इसमें जहाँ पे पैर रखते हैं रेस लगाते हैं, ड्रैग रेस, हाँ ड्रैग रेस, 1-2-3 नहीं अरे रुक जा, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, 1-2-3 अरे जी 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 किसकी जा रही है, अरे यार अरे यार भाई हर्ष भाई जीत गए, क्योंकि मेरे पीछे वाले टायर पता नहीं हवा कम है यार, जरूर ट्राई करना एक बार तो, क्योंकि यार स्कूटी चला ली, बाइक चला ली, गाड़ियां चला ली, एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी मज़ा लेके देखना, जो स्वाद आ रहा है ना इसको चलाने में अल्टीमेट है भाई, और आपको कोई रोकेगा भी नहीं, कहीं भी जाओ उसको लेके, नो इसमें ना तो आपको हेलमेट पहनने की जरूरत, ना इसका चलान कटेगा, तो मतलब टेंशन फ्री है भाई। देखो अभी भी इतना चलाने का बैटरी फुल, बढ़िया अंकल मस्त है ना। तो भाई फिर से हर्ष भाई आगे निकल गए, मैं हर बार पीछे रह रहा हूँ, पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है इससे, साइकिल चलाओ और ये चलाओ भाई, और हो जाए हाँ पॉल्यूशन हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, पॉल्यूशन ही खत्म हो जाए। तो भाई हर्ष भाई भी आ चुके हैं, बुरे स्टंट मारते हुए आ रहे हैं भाई, भाई स्टंटिंग के लिए नहीं है ये। तो गाइस फाइनली अब हमें बड़ी वाली मतलब ये सेकंड नंबर पे है, इससे भी एक थर्ड नंबर पे आती है, मतलब 3 टाइप की हैं, फर्स्ट स्मॉल, ये सेकंड नंबर की, और इससे भी बड़ी आती है जो एक्टिवा के साइज़ की है। सो भाई अभी इसे चलाते हैं, वो अभी थर्ड वाली जो एक्टिवा के साइज़ की वो अवेलेबल नहीं है, निकालो भाई, ये निकल गई, अरे भाई अरे भाई, तो ये भी जा रहे थे। तो गाइस भाई, तो गाइस अभी मैंने फाइनली ये मेरे को दूसरा स्कूटर, ये जो मैंने अभी फर्स्ट वाला चलाया था उसके बाद मेरे को मिल चुका है दूसरे नंबर वाला स्कूटर, तो अभी इसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है। तो भाई ये देखो, ये हॉर्न, ये लाइट का स्विच, और इसमें यहाँ पे शीशे भी इंस्टॉल हो जाएंगे, जस्ट अभी ये इनॉग्रेशन का टाइम था तो अभी शीशे इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, और इसका जो सबसे बेस्ट फीचर जो मेरे को लगा, मैं इसको पहले रोकता हूँ भाई, ये देखो आपको दिख रहा है ये रेड कलर का बटन, ये मारा मैंने आर पे, ये देखो मैंने किया एक्सलेट और ये जा रही है पीछे, आप देखो मेरे पैर ऊपर है इसमें, ये देखो, और मैंने करा डीप है तो ये गई आगे। सो गाइस जैसे अभी मेरे को मिल चुकी है तीसरे नंबर वाली भी, तो अभी देखी थी आपने वो जो हरी कलर की खड़ी है वहाँ पे, तो वो है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है बिल्कुल थर्ड नंबर की जो टॉप एंड है इसकी। तो भाई फाइनली अब मेरे को जो इसका टॉप एंड जो मॉडल आता है वो मेरे को मिल चुका है,
ये देखो भाई, भाई इसकी जो स्पीड और जबरदस्त जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे को इसका पिकअप सॉन्ग बहुत ज़्यादा लग रहा है और स्पीड भी ज़्यादा है। एक बार मैं इसको रोक देता हूँ, इसमें भी आपको एक बार फंक्शन एक्सप्लेन कर दूँ इसके। तो एक ये तो इसका ये क्या है ये भाई, ये देखो ज़्यादातर इनकी बड़ी स्कूटियों में जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको USB फ़ोन चार्ज मिल जाएगा। यहाँ से आपकी हेडलाइट कंट्रोल होती है, ये हॉर्न रहे, दो दो हॉर्न है इसमें, एक दो, और ये हाई बिहाइंड लोडिंग, और ये इंडिकेटर ये देखो इधर से हो रहा है। तो जैसे आपको यहाँ से लाइट ऑन करनी है, और आपको देखो ये मोड रहे जैसे उस वाली में थे 1 2 3, इसमें भी है। तो 1 पे भी थोड़ी स्लो चलेगी, मतलब पिकअप थोड़ा कम हो जाएगा। स्कूटी या बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक चलानी है, तो भाई मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ उस ऐप का, तो वहाँ से जाके जो भी डाउनलोड करेगा ना उसको फर्स्ट राइड फ्री मिलेगी। तो भाई फाइनली हमारा शूट हो चुका है डन, वहाँ पे जो हम फंक्शन में गए थे वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। अभी हमें रिफ्रेशमेंट मिली थी जो हमने वहीं से फंक्शन में से हमें मिली थी, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे तो खा नहीं पाए थे। तो भाई धार्मिक राइडर भाई का बोरा और मेरा ये रहा, इसमें दो डब्बे और रखे हैं, और भाई बुक्कर समझा हुआ है कंपनी वाले कि भाई ये बंदे एक से इनकी पूर्ति नहीं होने वाली। नहीं भाई बुक्कर नहीं समझा हुआ, हम ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बोल रहे थे, इसलिए हमारा मुंह गला भाई गला फट चुका है हमारा। सीरियसली ये तो है कि मतलब बोलते बोलते ना तीन स्कूटर की हमने टेस्टिंग करी, तीनों स्कूटर के अंदर ये था कि हम बोलते बोलते यार गले में दर्द हो गया, और दूसरे काफी लंबे लंबे राउंड मार कर आए हम। वैसे स्कूटर काफी अच्छा है, और बेसिकली भाई मेरे में तो माइक भी नहीं था, हर्ष भाई के में देखो माइक लगा हुआ है, मेरे को तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा। वो ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें भाई ने गोप्रो ले ली है, तो गोप्रो सेट भी कर लिया हेलमेट के ऊपर। ये देखो भाई, ये देखो हेलमेट के ऊपर सेट कर लिया, ये महंगी बातचीत। कितने है? 30,000 रुपये का? 31 भाई, 30,000 रुपये लगा रखे इन्होंने आगे मुंह के आगे, बट अभी 5,000 रुपये लगा के भी आप लोग देखते रेप्टर लेंगे, और उसके बाद सारी चीज़ें होंगी भाई। आवाज़ अच्छी आएगी उस टाइम, आवाज़ अच्छी आएगी। और भाई ये देखो, ये इस कंपनी ने हमें पौधे गिफ्ट किए हैं भाई, जैसे वो इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं, तो वो पौधे भी सबको बांट रहे थे जितने भी वहाँ लोग आए थे। तो भाई हम फुटपाथ पे खड़े हुए यहाँ पे स्कूटी लगा रखे, हम पार्क में इसलिए नहीं गए, क्या पता वहाँ पे मना कर दें खाने से, क्योंकि वो बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा भाई पैर बाद में भेज देती हो, इससे बढ़िया साइड में लगाओ और अपना खा लो। हाँ खा लो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम गंदगी नहीं फैलाने वाले, टेंशन यार कई ब्लॉग के नहीं, सब कमेंट करो कि है फेंक दिया, हम फेंकने नहीं वाले हैं भाई। देखो यार थैला इसी में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे और फिर डस्टबिन में डाल देंगे। हाँ भाई फाइनली आज हम वीडियो को एंड करते हैं। अभी हम कालका जी मंदिर से वापस लौट गए थे, सो अपनी वो खड़ी स्कूटी और जो भाई हमने जिप से वो हमें पौधे मिले थे वो रखे हुए वहाँ पे सेफली, हम सोच रहे थे कोई लेके ना भाग जाए। सो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, लेकिन उससे पहले भाई जो जिप का ऐप है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करो, और उससे आपको एक फ़ायदा होगा, उससे आपको जो भी उसकी फर्स्ट राइड होगी वो फ्री हो जाएगी। iOS वाले और एंड्रॉयड वाले दोनों के लिए अवेलेबल है, और उस पर जाके अपनी KYC कराओ और भाई मज़े लो राइड के, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जो बंदा दिल्ली से गुड़गांव आ रहा है और उस बंदे को चाहिए भाई कोई व्हीकल मिल जाए, तो भाई वो सबसे सस्ता व्हीकल है अभी तक का, क्योंकि मेरे को कोई लगता नहीं है कोई एक रुपये में या 60 रुपये में एक घंटे के लिए कोई अपनी व्हीकल प्रोवाइड कराता है। सो भाई इसके लिए भी लाइक मार देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भाई शेयर कर देना इस वीडियो को। सो लव यू गाइज। सो गाइज इस 21 दिसंबर को हमने एक मीटअप रखा है सबरवाल TVS के साथ, जिसमें आप अपने एनटॉक को लेके आओ, TVS के जितने ओनर हैं सबके सब आ सकते हैं, कस्टमर जितने भी एनटॉक के जितने कस्टमर हैं सबके सब आओ भाई, और आप एक मीटअप से रखेंगे, हम सब मिलेंगे वहाँ पर, अच्छे से बातचीत करेंगे, TVS टीम भी होगी, किसी को कंप्लेंट है कुछ ठीक करवाना है अपने एनटॉक के अंदर, सर्विस भी है ना उस दिन आपके, आप आ जाओ, आपका चेकअप वगैरह करवा देंगे, वॉशिंग करवा देंगे। तो बस भाई आना जरूर है भाई, सब आना, मिलने के लिए जरूर आना भाई। धार्मिक राइडर भाई आएंगे, मैं भी आऊँगा, तो और भाई और भी भाई आएंगे जो राइडर हमारे साथ राइड करते हैं, तो भाई जरूर आना है 21 को ना। हाँ, 21 दिसंबर 2019 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, भाई लोकेशन का जहाँ पे हम आने वाले हैं वहाँ का भी लिंक दे दूंगा मैं, जहाँ पे हम मीटअप रख रहे हैं, तो भाई सबको जरूर आना।